हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लाइब्रेरी साइंस स्पेशल क्लासेस में। और आज का जो टॉपिक है वो है F1000 रिसर्च। F स्टैंड बाय फैकल्टी ऑफ 1000 रिसर्च। इट वाज एक्वायर्ड बाय टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप। फाउंडर विटेक ट्रेजेक्स। कंट्री ऑफ ओरिजिन UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन में। पब्लिकेशन टाइप्स वो क्या क्या हैं? रिव्यूज, साइंटिफिक जर्नल्स, पोस्टर्स, स्लाइड डेस्क एसेट्रा। एंड नॉन फिक्शन टॉपिक्स हैं साइंस। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आखिर ये F1000 रिसर्च क्या होती है। तो इसके बारे में एक छोटा सा हम इंट्रो दे देते हैं। ये क्या है? ये एक ओपन रिसर्च प्लेटफॉर्म है जो कि फिज़िकल एंड लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड में आर्टिकल्स एंड अदर्स आउटपुट्स के लिए रैपिडली पब्लिकेशंस के लिए काम करता है। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है अबाउट डिस्कवर F1000 रिसर्च ओपन रिसर्च प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग डेटा डिपोजिशंस एंड डेटा शेयरिंग। ये क्या है? ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को डिपॉजिट किया जाता है और डाटा को शेयर भी किया जाता है। एक्सेलरेट द इम्पैक्ट ऑफ योर रिसर्च विथ रैपिड ओपन पब्लिकेशन ऑन F1000 रिसर्च। अब हम इसका स्कोप जान लेते हैं। इसका एम क्या है, इसको क्यों बनाया गया है। F1000 रिसर्च पब्लिशर्स आर्टिकल्स एंड अदर्स रिसर्च आउटपुट रिपोर्टिंग बेसिक्स साइंटिफिक स्कॉलरली ट्रांसलेशनल एंड क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल रिसर्च अक्रॉस द फिजिकल एंड लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। नेक्स्ट है F1000 रिसर्च इज़ अ स्कॉलरली पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म सेट अप द साइंटिफिक स्कॉलरली मेडिकल रिसर्च कम्युनिटी। ईच आर्टिकल्स हैज़ एटलीस्ट वन ऑथर हु इज़ अ क्वालिफाइड रिसर्चर्स स्कॉलर्स एंड एक्टिविटीज वर्किंग इन देयर स्पेशलिटी एंड हु हैज़ मेड अ की कॉन्ट्रीब्यूशन टू द आर्टिकल्स। इट मीन्स एक रिसर्चर के रूप में आपके आर्टिकल्स को जितने भी डेटा सोर्सेस हैं उन पर ओपनली अवेलेबल कराना, मतलब ट्रांसपेरेंसी के तौर पर अवेलेबल कराने का काम करता है। ये अपने काम को ओपन एक्सेस पब्लिश करने का काम करता है। इट मींस कि ये किसी के लिए भी कहीं पे भी पढ़ने के लिए उपलब्ध है। ये यूज़र्स की संख्या को बढ़ाने और इसके व्यापक प्रभाव को बढ़ाने में मदद करता है। अब जैसा कि मैंने अभी इसमें बताया कि F1000 रिसर्च जो है ये किसके लिए, स्कॉलरली पब्लिकेशंस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें साइंटिफिक स्कॉलरली मेडिकल रिसर्च कम्युनिटी, जिसके अंतर्गत जो भी आर्टिकल्स होते हैं पब्लिश होते हैं उन सब के बारे में इसमें बताया गया है, उन सबको ये पब्लिश करता है। पब्लिशिंग मॉडल एंड प्रोसेस, इसके अंतर्गत क्या क्या है। चेक बिफोर पब्लिकेशन, यानी किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से पहले ये क्या करता है, चेक करता है। पीयर रिव्यूज़, किसी भी आर्टिकल्स के पीयर रिव्यूज़ को प्रिपेयर करता है। द ऑथर्स रोल ड्यूरिंग पीयर रिव्यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, रिव्यूअर क्राइटेरिया, द रिव्यूअर्स रोल्स, रिविजन्स, अपडेट्स ऑफ आर्टिकल्स, पीयर रिव्यूज़ स्टेटस एंड इंडेक्सिंग ऑफ आर्टिकल्स। इन सब के बाद जब इन सबको बहुत अच्छे से वो जज कर लेता है अपने लेवल पे, तब वो किसी आर्टिकल को पब्लिश करता है। तो इस प्रकार से ये एक सिक्योरिटी प्रदान करता है हमारे किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने में। आइए अब हम जानते हैं हाउ इट वर्क्स, यानी कि ये अपना काम किस प्रकार से करता है। तो पहला है कि ये रैपिड एंड ट्रांसपेरेंट पब्लिशिंग, यानी इसकी जो मुख्यता है वो ये है कि ये अपने आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए रैपिडली पब्लिश करता है, रैपिडली पब्लिश करने की परमिशन देता है। इसमें F1000 रिसर्च इज़ एन ओपन रिसर्च पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिस्ट स्कॉलर्स ऑफरिंग रैपिड पब्लिकेशंस ऑफ आर्टिकल्स एंड अदर रिसर्च
आउटपुट विथआउट एडिटोरियल बायस. ऑल आर्टिकल्स बेनिफिट्स फ्रॉम ट्रांसपेरेंट पीयर रिव्यूज एंड एडिटोरियल गाइडेंस ऑन मेकिंग ऑल सोर्सेज डेटा ओपनली अवेलेबल. यानी कि F1000 रिसर्च पर पब्लिश सभी डाटा मटेरियल्स को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं इसकी ओपन डेटा पॉलिसी के कारण. इसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनकी एक रिपॉजिटरी जिसको हम साइटेशंस, जिसमें क्या है एक साइटेशन इंक्लूड रहता है. इसमें हम पीयर रिव्यूज़ एंड यूजर्स कमेंटिंग प्रोसेस की भी एक ट्रांसपेरेंट रहते हैं. इसमें पीयर रिव्यूअर्स के नाम पर और उनकी रिपोर्ट्स आर्टिकल्स के साथ साथ ओपनली पब्लिश की जाती हैं. इसके अंतर्गत हम अपने आर्टिकल को 14 दिन के अंदर ईजली पब्लिश कर सकते हैं. पब्लिकेशन एंड डेटा डिपोजिशन. पब्लिकेशन करने के लिए हम अपने पहले अपने डेटा को डिपॉजिट करेंगे. ओपन पीयर रिव्यू एंड यूजर कमेंटिंग आर्टिकल्स रिविजन्स फॉर पोस्टर्स एंड स्लाइड्स के लिए क्या करेंगे, सबमिशन. इंस्टेंट विजिबिलिटी पब्लिकेशन 1 या 2 दिन के अंदर इस प्रकार के जो भी होंगे आर्टिकल्स, यानी कि जो पोस्टर्स या फिर स्लाइड डेस्क होगी उनको हम 1 या 2 दिन के अंदर क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे. तो इस प्रकार से ये इसमें एक इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, ये अपने काम को इतना अप टू डेट रखते हैं कि हम और इजीली हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं. यानी कि पहले हमें अपने आर्टिकल को पब्लिश कराना होता था तो हमें एडिटर्स के ऊपर बायस रहना, एडिटर्स के ऊपर बेस्ड रहना पड़ता था. तो इसके लिए कि एडिटर जो चाहेगा वो चीज़, वो पोर्शन वो छापेगा वो, और जो नहीं चाहेगा उसको नहीं छापेगा. लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. इसमें ऑथर्स के लिए पूरी फ्रीडम है. ऑथर को एडिटर के ऊपर बेस नहीं होना है. उसका जो मन है वो उतना पोर्शन उसको वो क्या कर सकता है, पब्लिश करा सकता है. अब इसमें नेक्स्ट है लाइसेंस. इसमें जो लाइसेंस लेने की प्रोसेस है, द लाइसेंस दैट अप्लाई टू आर्टिकल्स एंड अदर रिसर्च आउटपुट्स डेटा एंड पीयर रिव्यू रिपोर्ट्स के आधार पे क्या किया जाता है, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है. अब नेक्स्ट है इंडेक्सिंग. व्हेन एंड वेयर आर्टिकल्स आर इंडेक्स्ड. इसमें पीयर रिव्यूज पास करने के लिए आर्टिकल्स को स्कोपस और पबमेड सहित कई प्रमुख डेटाबेस में इंडेक्स करके भी रखा गया है. इसे अगर हम देखना चाहें तो हम इसको गूगल स्कॉलर में भी देख सकते हैं. नेक्स्ट है साइटिंग F1000 रिसर्च पब्लिकेशंस डेटा सेट्स एंड पीयर रिव्यूज रिपोर्ट्स. और क्या क्या काम है इसका, साइटिंग एंड आर्टिकल्स, साइटिंग पोस्टर्स स्लाइड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, साइटिंग ए डेटा सेट, साइटिंग अ पीयर रिव्यू रिपोर्ट. साथ ही साथ फिर क्या है, पोस्टिंग अ कमेंट ऑन अ F1000 रिसर्च आर्टिकल्स और अदर रिसर्च आउटपुट्स. उनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं पीयर रिव्यूज़ को देख करके. ये उन रिसर्च आउटपुट के लिए एक परमानेंट प्लेस भी प्रोवाइड करता है जिनकी पीयर रिव्यूज़ नहीं हो सकती है, जैसे कि पोस्टर्स स्लाइड्स डेस्क पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड टेक्निकल रिपोर्ट्स. पोस्टर्स स्लाइड डेस्क एंड डॉक्यूमेंट्स केवल F1000 रिसर्च गेटवे के थ्रू ही सबमिट किए जा सकते हैं. इसके अलावा साथ ही साथ इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं जो कि जैसे कि है, जो इसका जो पहला बेनिफिट है वो है रिसर्चर्स के लिए. बेनिफिट्स फॉर रिसर्चर्स यानी कि इनेबल्स ऑथर्स नॉट एडिटर्स टू डिसाइड व्हाट दे विश टू पब्लिश. यानी कि इसमें ऑथर डिसाइड करता है ना कि एडिटर कि उसको क्या पब्लिश कराना है या करना है. नेक्स्ट है ऑथर्स सजेस्ट पीयर रिव्यूअर्स एंड कंट्रोल द प्रोसेस. थर्ड है ऑल टाइप्स ऑफ रिसर्च कैन बी पब्लिश्ड रैपिडली, चाहे वो ट्रेडिशनल आर्टिकल्स हो, डेटा सेट्स हो, नल रिजल्ट्स हो, प्रोटोकॉल्स हो, केस रिपोर्ट्स, इंक्रीमेंटल्स, फाइंडिंग्स एंड मोर. इस प्रकार के किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा हो, आर्टिकल हो, उसको वो इजिली पब्लिश कर सकता है. दूसरा जो बेनिफिट है वो है रिसर्च के लिए.
पहली बात हो रही थी हमारी रिसर्चर के लिए, अब बात हो रही है रिसर्च के लिए. एम्स टू शिफ्ट द वे रिसर्च एंड रिसर्चर्स आर इवेल्युएटेड. सेकंड है मूव्स अवे फ्रॉम जर्नल्स बेस्ड मेजर्स टुवर्ड्स डायरेक्ट असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स आउटपुट्स. ओके, नेक्स्ट है सपोर्ट्स रिसर्च असेसमेंट बेस्ड ऑन द इंटेंसिक वैल्यू ऑफ रिसर्च नॉट द वैल्यू ऑफ द पब्लिकेशन. यानी कि इसमें क्या है, जो रिसर्चर है अपने रिसर्च के जो एम है उसको इवेलुएट कर सकता है, शिफ्ट कर सकता है जर्नल के बेस पे. वो ये मेज़र कर सकता है कि उसको व्यक्तिगत रूप में कोई आउटपुट हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए, एसेट्रा एसेट्रा. नेक्स्ट है बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी. अब इस रिसर्च के होने से क्या होगा, सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स होंगे. रिड्यूस द बैरियर्स टू कोलैबोरेटिव रिसर्च थ्रू डेटा शेयरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड एट्रीब्यूशंस. सेकेंड इज रिड्यूस रिसर्च वेस्ट एंड हेल्प टू रिमूव द बायस इन आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसर्च. नेक्स्ट इज इनेबल्स ऑफ अदर्स टू बिल्ड अपॉन न्यू आइडियाज राइट अवे वेयर एवर एंड हूएवर दे आर. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं. थैंक यू.